ये कहानी है गांव की रहने वाली गुंजन और उसकी माँ श्रद्धा देवी की। श्रद्धा अपनी बेटी को अकेले ही पालती है क्योंकि श्रद्धा का जो पति होता है वो उसे छोड़ के जा चुका होता है। श्रद्धा अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटा क्या हुआ है, क्यों इस तरीके से उदास खड़ी हुई हो? कोई बात है तो अपनी माँ को तुम बता सकती हो, बोलो क्या हुआ है। माँ, ऑनलाइन काम की क्लासेस चल रही है, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं है। सारी बच्चियाँ ऑनलाइन काम करती हैं, बुक से निकालती हैं, कुछ मोबाइल के जरिए निकालती हैं। इस वजह से मैं स्कूल आजकल नहीं जा रही हूँ। जब तक आप मुझे मोबाइल नहीं लेके देंगी मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। मुझे ऑनलाइन बहुत से काम करने होते हैं, आप मुझे मोबाइल दिला के दें। श्रद्धा अपनी बेटी से कहती है, अरे गुंजन तू ठीक कह रही है, मैं बहुत जल्द तुझे मोबाइल दिला के दूंगी, तू फिक्र नहीं कर। अगर तू ऐसी चिंता करेगी स्कूल नहीं जाएगी तो कैसे चलेगा। श्रद्धा को तो ये बात गुंजन ने कह दी कि वो उसे मोबाइल लेके दे, तो नींद तो जैसे उड़ ही गई थी। मोबाइल कहाँ से ला के दे। इतने में गुंजन अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ पूरा एक महीना गुजर चुका है और अभी तक आपने मुझे मोबाइल नहीं दिला के दिया है। क्या हो गया है? अगर आपको मोबाइल नहीं दिला के देना तो आप मुझे साफ साफ कह सकती हैं। इस तरह से रोज आजकल आजकल नहीं कहे, इस तरह से मुझे एक उम्मीद हो जाती है आपसे। श्रद्धा अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटा मैंने मालकिन से बात करने का सोचा है, बस थोड़ी सी हिचकिचाहट है। जैसे ही मैं मालकिन के पास जाऊंगी मैं तेरी बात जरूर करूंगी मोबाइल की, तू चिंता नहीं कर इस बात की। मैं जल्द ही मालकिन से आज ही बात करूंगी। इतने में श्रद्धा मालकिन के घर आती है और दिली दिल में कहती है, अरे मालकिन के पास तो बहुत ज्यादा मोबाइल है, ऐसे जब देखो आसपास इधर उधर कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं। मैं मालकिन से मांगती हूँ और मोबाइल अपनी बेटी को दे दूंगी। इतने में वो देखती है कि उसकी मालकिन फोन पे बात कर रही है। श्रद्धा बहुत ज्यादा चिंतित होती है कि वो किस तरह से अपनी मालकिन से बात करे, क्योंकि श्रद्धा की जो मालकिन होती है वो बहुत ज्यादा खड़ूस होती है, इसलिए श्रद्धा बात करते करते फौरन ही पीछे हट जाती है। इतने गुंजन अपनी दोस्त से कहती है, अरे राधा तुम यहाँ क्या कर रही हो और वो भी कचरे के ढेर में, और तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो आजकल? हाँ राधा गुंजन से कहती है, अरे तुम्हें पता है ये यहाँ पर कचरे के ढेर में ऐसी बहुत सी चीजें मिल जाती है जो कि हमारी जरूरत के मुताबिक हो। पिछली बार मुझे कैमरा मिला था और मोबाइल भी मिला था, इसलिए मैं यहाँ पे छांटी वंटी करने आई हूँ ताकि मुझे कुछ न कुछ कचरे से मिल ही जाए। गुंजन राधा और ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि कचरे के ढेर में से कि कुछ न कुछ हमें मिल ही जाएगा। इतने में गुंजन को हाथ में एक मोबाइल मिलता है और वो राधा से कहती है, अरे अरे देखो 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 इधर आओ, चलती आओ चलती आओ, देखो मुझे ना मोबाइल मिला है और ये आईफोन है। अरे वाह ये तो मुझे बिल्कुल न्यू लगता है, तुमने सही कहा था कचरे के ढेर में से कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। देखो मुझे मोबाइल मिला है, मैं अभी जाके माँ को जाके बताती हूँ। इतने में गुंजन अपनी माँ के पास आती है और कहती है, अरे माँ देखो देखो मुझे मोबाइल मिला है, वो भी कचरे के ढेर से। माँ सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, दरअसल बात ये है कि राधा जो है वो कचरा चुनने जाती है और मैं भी वहाँ चली गई, मुझे वहाँ से मोबाइल मिला, मोबाइल की लालच में मैं वहाँ पे गई थी माँ। ये सारी बातें सुन के जैसे श्रद्धा के तो होश ही उड़ गए, वो अपने आप को बहुत बेबस मानने लगी, कहने लगी कि आज उसकी बेटी कचरे के ढेर में अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए गई है। वो अपनी बेटी से कहती है, बेटा मुझे पता है कि मैं तेरी जरूरियात सही से पूरी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जब तक तेरी माँ जिंदा है ना तुझे काम करने की जरूरत नहीं है, कोई कचरा चुनने की जरूरत नहीं है और ना ही उस कचरा कुंडी में जाने की जरूरत है। ये मोबाइल आपको मिल गया है ना, अब तुम इससे ऑनलाइन काम करो ठीक है, और दिखाओ तो सही मुझे सारा मोबाइल, मैं भी तो देखूं कि वाकई में कोई मोबाइल है या फिर ऐसे ही कोई कचरे के ढेर में से कचरा ही मिला है। अरे जल्दी से मुझे मोबाइल दिखाओ। गुंजन अपनी माँ को मोबाइल देती है और देखती है श्रद्धा मोबाइल को और वो कहती है, अरे ये तो बिल्कुल न्यू मोबाइल मुझे लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा मोबाइल है, इसे क्या कहते हैं वो बड़े लोग क्या कहते हैं इसे, एप्पल, हाँ ये तो आईफोन है। हाँ अरे वाह मेरी बेटी के पास आईफोन आ गया है, देखो देखो मेरी बेटी आईफोन यूज करेगी। गुंजन श्रद्धा की सारी बातें सुन के अपने ऑनलाइन क्लासेस के लिए श्रद्धा को छोड़ के अपने दूसरे रूम में चली जाती है। और अचानक से दूसरे दिन क्या होता है कि फौरन से गुंजन आती है और अपनी माँ से कहती है,
माँ मेरा मोबाइल खराब हो गया, देखो इसमें कुछ भी नजर नहीं आ रही है स्क्रीन में, माँ कुछ करो ना प्लीज प्लीज प्लीज। अरे अरे बस कर दो, ये रोना धोना बंद करो, चलो हम मोबाइल की शॉप में जाते हैं और मोबाइल को मैं अपनी बेटी को ठीक करवा के देती हूँ, ठीक है, फिक्र नहीं करो। इतने में दोनों माँ बेटी मोबाइल वाले की शॉप ढूंढती हैं और मोबाइल की शॉप पर जाती हैं मोबाइल ठीक करवाने के लिए। जैसे ही शॉप के पास पहुँचती है कहती है, श्रद्धा अरे भाई हमारा मोबाइल खराब हो गया है, जल्दी से इसे ठीक करके दे दो, ये आईफोन है, आईफोन एप्पल एप्पल। ठीक है आप जल्दी से आ जाइएगा, यानी कि शाम को आ जाइएगा, मैं आपका ये मोबाइल आपको ठीक करके दे दूंगा, जितना हो सके उतना जल्दी। दोनों चली जाती हैं माँ बेटियां घर बेदिहानी में, प्राइस तो पूछती ही नहीं है रिकवरी का। जैसे ही वापस आती है अपना मोबाइल लेने के लिए, अरे हमारा मोबाइल दे दीजिए, आपने कहा था ना कि रात शाम को आना, हम आ गए हैं, अब दो। ठीक है ले लो मोबाइल, अब 3,000 रुपये तुम मुझे दे दो, 3,000 रुपये का पूरा ये ठीक हुआ है मोबाइल, 3,000 रुपये का। ये सारी बातें सुन के तो जैसे श्रद्धा के होश ही उड़ गए, क्योंकि उसके पास तो 3,000 थे ही नहीं। इतने में मालकिन आती है और वो उससे पूछती है, मालकिन ये सब क्या हो गया है मालकिन, ये मोबाइल में ठीक करवाने के लिए आई थी, मेरी बेटी को कचरे के कूड़े से मिला था और ये बंदा 3,000 रुपये मांग रहा है। अरे सुनो मेरी बात सुनो, ये हमारे घर की काम वाली है, तुम इससे 3,000 रुपये मत लेना, ठीक है, और हाँ अब जो भी ये ठीक करवाने के लिए आएगी इसे जल्द से ठीक कर देना, जो रब्ता हुआ वो मुझसे करना। अरे देखो शांति, ये मेरा भाई है, ये मेरे भाई की दुकान है, आज के बाद तुम्हें कुछ भी चाहिए हुआ तो मुझसे कहना। अरे ऐसे आईफोन तो मेरे आसपास पड़े रहते हैं, घर में कितने हैं तुमने देखा नहीं है क्या इसको? अरे मालकिन दरअसल बात ये है कि मुझे आपसे ना डर लगता था, इसलिए मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, नहीं तो मैं आपसे मोबाइल मांग लेती। मेरी बेटी ये गुंजन है, ये स्कूल जाती है, इसकी सब दोस्तों के पास मोबाइल है, आईफोन है, इस वजह से ये मेरे से जिद कर रही थी आईफोन की, ये तो उसको कचरे के ढेर से मिला और ये ठीक करवाने ले आई है। श्रद्धा गुंजन से कहती है, बेटा हम गरीब लोग हैं, हमारे बस की ये काम मामलात नहीं है आईफोन या फिर एप्पल वगैरह, बेटा तू इसे ध्यान से इस्तेमाल कर, देख मिला तो तुझे ये कचरे के ढेर से है, लेकिन इसकी हिफाजत अब तू खुद करेगी, ठीक है, अब ये बार बार ठीक नहीं होता, वो तो मालकिन के भाई की दुकान थी कि हमें मुफ्त में ठीक कर दिया, अगर कोई और होता तो हमसे पैसे मांगता, सोच ले तू इस बात को, आइंदा से ख्याल रखना, चल जा तू पढ़ाई कर अपनी, ठीक है। गुंजन यही सोचती है कि वो बड़ी होके एक अमीर इंसान बनेगी, ताकि वो एक अपने लिए अच्छा सा आईफोन ले ले और अपनी माँ के लिए भी आईफोन ले ले, ये कहते हैं गरीब का।